Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel, The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वो कौन लोग हैं जिनको आप में आया हुआ बदलाव खटक रहा है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। जो आप में बदलाव आया है वो किन लोगों को खटक रहा है और क्यों खटक रहा है, किस वजह से खटक रहा है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। फोर ऑफ पेंटिकल्स, जो फर्स्ट कार्ड आया है वह आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड आया है सिक्स ऑफ सूट्स। कौन लोग हैं जिनको आप में आया हुआ बदलाव जो है खटक रहा है, बहुत सारे कार्ड्स हैं। कौन लोग हैं जिनको आप में आया हुआ बदलाव खटक रहा है? अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप में आया हुआ बदलाव किन लोगों को खटक रहा है और क्यों खटक रहा है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। आप में आया हुआ बदलाव किन लोगों को खटक रहा है? द मैजिशियन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप में आया हुआ बदलाव किन लोगों को खटक रहा है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप में आया हुआ बदलाव किन लोगों को खटक रहा है? यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स, कुछ कार्ड पलटे हैं। आप में आया हुआ बदलाव किन लोगों को खटक रहा है? यहाँ पर आया है डेथ, हीरोफेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आप में आया हुआ बदलाव किन लोगों को खटक रहा है? यहाँ पर आ गया है जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है लवर्स। कुछ कार्ड्स और लेंगे हम, एनर्जी ओरेकल से भी लेंगे कुछ कार्ड्स। आप में आया हुआ बदलाव किन लोगों को खटक रहा है और क्यों खटक रहा है? यहाँ पर आया है सन का कार्ड, कॉन्ट्रैक्ट। आप में आया हुआ बदलाव किन लोगों को खटक रहा है? डोर टू स्पिरिट, आप में आया हुआ बदलाव किन लोगों को खटक रहा है? थिंकिंग मैन, आप में आया हुआ बदलाव किन लोगों, फोर्थ चक्र आर्कएंजल द फायर, आप में आया हुआ बदलाव किन लोगों को बहुत खटक रहा है? हीलर ऑफ द एजेस एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन। अब तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की। आपकी जो राशि है यहाँ पर तुला हो सकती है, आपकी राशि मिथुन हो सकती है, आपकी राशि कन्या हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है, वृष हो सकती है, और जुपिटर आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है। साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो अप्रैल हो सकता है, जून हो सकता है, जनवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, नवंबर हो सकता है, जुलाई हो सकता है, मई हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए
चेंज हर किसी में आता है, है ना। समय रहते चेंज, हर एक इंसान बदल जाता है परिस्थितियों के हिसाब से। बट कुछ इंसान जो है, कोई लोग जो हैं वो इसलिए भी बदलते हैं क्योंकि अगर वो ना बदलें तो क्या होता है, जब ना बदलें तो लोग जो है ना उनको मैनिपुलेट करना नहीं छोड़ते, तो इसलिए बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है लोगों का। तो इसी तरह से आपके अंदर भी जो बदलाव आया है वो इसीलिए आया है क्योंकि जब आपका बिहेवियर चेंज नहीं था, जब आप ऐसे नहीं थे जो अभी हैं, तो लोग आपको बहुत मैनिपुलेट करते थे, लोग आपका फ़ायदा उठाते थे, आपको डोमिनेट करते थे और आपके ऊपर एक प्रकार का प्रेशर बनाते थे, है ना। प्रेशर इन द सेंस, बातों से का लेकर प्रेशर, किसी दबाव, किसी प्रकार का दबाव बनाना, है ना। तो इस कारण से आपको ऐसा फील हुआ कि चेंज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप चेंज नहीं होंगे तो ये जो लोग हैं आपको इसी तरह से जो है मैनिपुलेट करते रहेंगे, आपका शोषण करते रहेंगे, आपको दबाते रहेंगे, आपको लेट डाउन करते रहेंगे, मतलब नीचा दिखाते रहेंगे दूसरों के सामने। इस कारण से आपका बदलना लाजमी था। अब क्यों बदला आप पहले हो सकता है कि आप लोगों को अपनी बातें एक्सप्रेस कर देते थे, आप अपने सीक्रेट्स बता देते थे, आप छोटी छोटी बातें अपनी जो है लोगों से शेयर कर देते थे। बट जब आपने देखा कि जब आप वो बातें शेयर करते हो तो वो लोग जो है उसका गलत मतलब निकालते हैं या लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, है ना। तो आपने जो है यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ गए, आपने लोगों से शेयर करना बंद कर दिया, आप अपने अंदर रखते हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। पहले आप कह सकते हैं किसी सिचुएशन को फेस करते थे, बट आप जो है आप सिचुएशन को फेस नहीं करते, वहाँ से आप निकल जाते हो, वहाँ से आप चले जाते हो, है ना। आप उन चीज़ों को फेस नहीं करते, ना सहन करते हो। कोई अगर आपको कमेंट कर रहा है, कोई आपको कुछ गलत बोल रहा है, तो आप उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते, आप वहाँ से चले जाते हो या आप उन लोगों से कट ऑफ कर लेते हो या कॉन्टेक्ट बंद, दोस्ती ख़त्म। तो यही जो बदलाव है आपका, लोगों को बहुत खटक रहा है कि आप बदल क्यों गए, आप क्यों इतने चेंज हो गए। आप पहले लोगों से अनकंडीशनल लव करते थे, आप लोगों से अनकंडीशनल मतलब किसी स्वार्थ, बिना स्वार्थ के प्रेम लोगों से करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, है ना। बट क्या हुआ, जब लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, जब लोगों ने आपकी कदर नहीं करी, तो आपको लगा कि मैं बेकार में समय जो है अपना दूसरों पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस कारण से आप जो है आप मतलब की, क्योंकि लोग आपकी, जब क्या होता है ना कि हम किसी के लिए 24 घंटे 24/7 अवेलेबल होते, तो लोग हमारी वैल्यू नहीं करते, लोग हमारी कदर नहीं करते, है ना। तो इस कारण से ये जो बदलाव आया है लोगों को बहुत खटक रहा है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं ये बदलाव, ये चेंज। उनको लगता था कि आप कभी चेंज नहीं हो सकते, बट आपने जो है अपने आप को चेंज करना, अपने आप को बदलना भी एक कला है, ये हर कोई नहीं कर सकता। जिसका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, जो बहुत इच्छा, तीव्र इच्छा शक्ति वाला इंसान है, वही जो है अपने आप को बदल सकता है। द मैजिशियन की एनर्जी में आ गए, आपने अपने आप से एक कमिटमेंट लिया और अपने आप में आपने ये कहा कि अब मैं बदल कर रहूँगा, अब मैं चेंज होकर रहूँगा, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं, जो इंसान कर नहीं सकता, सब कुछ कर सकता है अगर उसकी इच्छा शक्ति प्रबल हो तो। और आपने करके दिखाया,
थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अब आप जो हो फ्यूचर का बहुत सोचते हो, अब आप फ्यूचर देखते हो अपना, आपको कहाँ फ़ायदा है कहाँ नहीं ये देखते हो आप। पहले आप ये चीज़ें नहीं देखते थे, आप बहुत इमैच्योर एनर्जी में थे कह सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप बहुत भोले भाले थे है ना, बट अब आप बहुत चेंज हो गए हो। आप वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आप इस एनर्जी में आ गए हो, आप अपने समय को वेस्ट नहीं करते, आप समय को बर्बाद नहीं करते हो। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, पहले आप लोगों की बातों को बर्दाश्त करते थे, अब आप उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाते हो, आप उनके खिलाफ़ बोलते हो, बोलना सीख गए हो, आप आवाज़ उठाना सीख गए हो। इस कारण से ना लोगों की नज़र में आप बहुत खटक रहे हो। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपके साथ ही रिजोनेट करेगी, ये कई लोगों के साथ ये रीडिंग रिजोनेट करेगी और टाइमलेस है। जब कभी भी कोई इसे देखेगा ये किसी ना किसी के साथ रिजोनेट जरूर करेगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पहले आप बर्दाश्त करते थे, अब बर्दाश्त नहीं करते हो, आप वेट नहीं करते हो, आप तुरंत एक्शन लेते हो। पहले आपके अंदर एक पेशेंस था। क्या होता है कभी कभी हम चुप रहते हैं, सब्र करते हैं, तो लोग सब्र का भी फ़ायदा उठाते हैं, हमारे चुप रहने का भी फ़ायदा उठाते हैं। तो वही आपके साथ हो रहा था, अब आप चुप नहीं रहते हो, आप लोगों के खिलाफ़ आवाज़ उठाते हो, आप बोलना सीख गए हो। जब इंसान क्या होता है, जब इंसान बर्दाश्त करता रहता है तो लोगों की नज़र में अच्छा रहता है, और जहाँ उसने बर्दाश्त करना छोड़ दिया, आवाज़ उठाना सीख ली, खिलाफ़ बोलना सीख लिया, वहीं वो लोगों की नज़र में बुरा हो जाता है। द हीरोफेंट का कार्ड है, अब आप अपना समय जो है अपना समय लर्निंग में व्यतीत करते हो, आप सीखने में या अच्छी बातों को सीखने में जो है लगाते हो, यूटिलाइज़ करते हो, अपने समय को यूटिलाइज़ करते हो। जहाँ काम नहीं वहाँ जाना नहीं, किसी से फालतू बात नहीं करनी, मैसेज नहीं करने, ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव ना रहना, और काम से काम रखना लोगों से। और पहले क्या था, आप लोगों को विश कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कोई ओकेजन आ रहा है तो उसका मैसेज कर रहे हैं, अब आपने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं। डेथ का कार्ड है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है, और ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखकर जो है, ये जो चेंज आपके अंदर आया है, इस रूप को देखकर जो है लोग आपको बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहले आप सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, आप फोकस्ड नहीं थे, कंफ्यूज थे, अब आप फोकस्ड हो, आपको पता है आपका लक्ष्य, आपको कहाँ जाना है, कहाँ किससे बात करनी है, कहाँ रहना है, सब पता है आपको। पहले आप फोकस्ड नहीं थे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, आप का गुड लक स्टार्ट हो गया साथ साथ, जब आपने अपने आप को चेंज किया तो लक ने भी आपका साथ दिया। इस कारण से ये जो चीज़ें हैं, ये जो बदलाव है, आप जो इंडिपेंडेंट हो गए, आप अपने गोल पर फोकस करने लगे, आप अपने लक्ष्य को देखने लगे, तो ये जो चीज़ें हैं ना लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। आप पहले आप ना नहीं करते थे लोगों को, पहले आप तुरंत हाँ कर दिया, अब आप ना कर देते हो तुरंत, क्योंकि आपको ये लगता था कि अगर मैं इनको ना कर दूंगा तो रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, मेरा इनके साथ रिलेशन ख़राब हो जाएगा। आप पहले लोगों की परवाह करते थे, आप रिश्तों की परवाह करते थे, अब आप उन चीज़ों की परवाह नहीं करते हो। इस कारण से जो ये जो एकदम से झटका लोगों को लगा है, ये जो आपके अंदर जो चेंजेस लोग देखे हैं लोगों ने, वो एक उनके ऊपर जैसे कहते हैं ना कि एक भूकंप आ गया जैसे कि एकदम से, तो ये बात हजम भी नहीं हो रही लोगों को, है ना। तो इस कारण से जो है ये जो चेंज है, लोग आपका बर्दाश्त नहीं कर रहे, आपने अपने आप को हील कर लिया है, आपने फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफायल, आपने अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कर लिया है ना। क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा
किसी चीज़ का अति भी खराब होती है और कम न्यूनता भी खराब होती है ना। कोई चीज़ अगर बैलेंस में रहेगी तो अच्छी रहेगी, अगर किसी चीज़ में कमी है या अधिकता है तो वो आपको खराब कर देगी। तो यहाँ पर आपने अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कर लिया है। आप लोगों पर जहाँ जितनी ज़रूरत होती है उतनी आप दया दिखाते हो, आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हो। थिंकिंग मैन, पहले आप बहुत सोचते थे, बहुत विचार करते थे, बहुत चीज़ों के बारे में सोचते थे, दिमाग पर लेते थे बातों को, अब नहीं लेते हैं। डोर टू स्पिरिट, आप अपनी सोल से कनेक्ट हो गए हो, आप अपनी स्पिरिट से कनेक्ट हो गए हो, आप एंजल से कनेक्ट हो गए हो। कॉन्ट्रैक्ट, अब आप सीधे कॉन्ट्रैक्ट रखते हो, आपको किससे फ़ायदा है किससे नुकसान है आप अब वो चीज़ देखने लगे हो। और ज़रूरत भी है आज के समय में, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ देने लगते हैं ना, फ्री की चीज़ें लोगों को हजम नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती है ना, और लोग फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं। दर्शन का कार्ड है, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हुई है, आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखाना स्टार्ट की है, आपने अपनी लाइफ में आप एक न्यू बिगनिंग लेकर आए। साथ साथ यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक था वो लवर्स था और शेडो कार्ड जो था वो टेन ऑफ वॉन्ड्स था। पहले आप लोगों की जिम्मेदारियाँ लेते थे, अब आप चॉइसेस रखते हो, आप सीधे मना कर देते हो हाँ या ना, है ना। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें, इन चीज़ों में जो बदलाव आपके आया है, ये जो चीज़ें बदली हैं, पहले आप लोगों की परवाह करते थे, रिश्तों की परवाह करते थे, आप लोगों को मना नहीं करते थे, आपको लगता था लोगों का दिल टूट जाएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, है ना, मतलब ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस दो, ज़्यादा किसी को अभगत करो तो लोग उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वही वाली चीज़ है। तो ये जो चीज़ें हैं, लोग बर्दाश्त, मतलब आप कह सकते हैं लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, अब जो है लोग आपकी वैल्यू करने लगे हैं। हाँ, उनको झटका ज़रूर लगा है, उनको तो ये लग रहा था कि आप कभी बदल नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है वो पहले आपको कहते हों बदल जाओ सुधर जाओ, बट ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लोग कहते थे, उनको नहीं पता था कि आप सचमुच में ही बदल जाओगे, और आप जो हो आप बदल गए हो, आपने बदल कर दिखाया है। और यही चीज़ें जो हैं लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, हजम नहीं हो रही, और ये बातें लोगों को बहुत खटक रही हैं। अब हम कुछ कार्ड्स आपके लिए गाइडेंस के लिए भी लेंगे कि आपको किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर गाइडेंस के लिए हम आर्कएंजल गैब्रियल के कुछ कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि आपको आर्कएंजल गैब्रियल जो है वो क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है ब्लॉक्स लिफ्टेड। आर्कएंजल रफायल आपको, सॉरी गैब्रियल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू। कीप गोइंग, वल्नरेबिलिटी, डेली प्रैक्टिस, हैव कॉन्फिडेंस इन योर क्रिएशन, आस्क फॉर व्हाट यू वांट। एक कार्ड हम और लेंगे, यहाँ पर है डिटॉक्स टाइम। एंड बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है मदर्स मैरी, है ना। तो यहाँ पर जो आपको मैसेज आ रहा है, देखो आर्कएंजल गैब्रियल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो भी पास्ट में जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आए थे वो फियर के कारण आए थे। पहले आप लोगों से बहुत डरते थे, है ना, अब वो फियर आपने, आप निडर हो गए हो, तो जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो ख़त्म हो गए आपकी लाइफ से। डिटॉक्स टाइम, आपको अपनी बॉडी माइंड और डाइट से डिटॉक्स करना चाहिए, मतलब जो क्लटर है वो निकालना चाहिए, आपको हेल्दी फूड लेना चाहिए, है ना, डाइट में भी हेल्दी चीज़ों का जो है को ऐड ऑन करना चाहिए।
आस्क फॉर वॉट यू वॉन्ट, जो भी आपको चाहिए आप उसके लिए मांगो, आप उसको मांगो। क्लियर कम्युनिकेशन करो गॉड के साथ, जो लोग भी आपको हेल्प करते हैं, है ना, आप उनसे क्लियर कहो, क्लियर आंसर, सॉरी क्लियर क्वेश्चन करो। हैव कॉन्फिडेंस इन योर क्रिएशंस, जो भी आप क्रिएट करते हो उसमें कॉन्फिडेंस रखो कि ये मैंने क्रिएट करा है तो डेफिनेटली इसमें जो है मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा। कीप गोइंग, आपको जो है चलते रहना है। और जो भी डिसअपॉइंटमेंट हैं उनको अपने दिमाग से हटाते हुए आपको प्रयास करते रहना है। और यहाँ पर जो भी आपके अंदर वल्नरेबल फीलिंग्स हैं उसको सुनना चाहिए, है ना। कभी कभी अंदर से हमें कुछ आवाज़ आती है, अंदर से कुछ हमको इंट्यूशन होता है ना, उसकी हम सुनते नहीं, तो हमको सुनना चाहिए। और साथ साथ हमको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ की डेली प्रैक्टिस करोगे तो उस काम में आप माहिर हो जाओगे, उस काम में आप प्रोफेशनल हो जाओगे, है ना। तो डेली प्रैक्टिस करोगे तो जो भी आपके अंदर जो स्किल है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, वो डे बाय डे, दिन ब दिन जो है वो एनहेंस होता जाएगा, है ना। और आप एक परफेक्शनिस्ट हो जाओगे, परफेक्शन आ जाएगा आपके अंदर। तो ये जो थी वो गाइडेंस थी आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से। आई होप ये रीडिंग, ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ साथ एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ, दो उपाय बताऊँगी। आज सावन का महीना चल रहा है तो पहला जो उपाय है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत लक्ष्मी आए, बहुत सारा धन आए, तो आपको हर सोमवार गन्ने के रस से जो है अभिषेक भगवान शिव शंकर का करना चाहिए, है ना। और साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके को कभी भी किसी बड़ी बीमारी का सामना ना करना पड़े, तो आपको पूरे सावन में, आप चाहो तो पूरे सावन भी कर सकते हो, जो मैंने गन्ने का रस उपाय बताया वो डेली भी आप कर सकते हो, चाहो तो आप सोमवार के सोमवार भी कर सकते हो, है ना। और ये जो उपाय बता रही हूँ, शमी पत्र आपको डेली चढ़ाना है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई बड़ा जो रोग है वो कभी ना लगे, है ना। तो ये दो उपाय थे आपके लिए। आई होप ये उपाय आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो। तो ये थी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।